साहिब पर पाकिस्तान ने एक बार फिर नई चाल चली है। सिखों के पवित्र धर्म स्थल करतारपुर साहिब को पाकिस्तान ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। इसका प्रबंधन SGPC से छीनकर ETPB नाम की मुस्लिम कमेटी को सौंप दिया है, जिसके बाद अब भारत में इसका विरोध हो रहा है। इसी क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने विरोध जताया। आज जो पाकिस्तान की सरकार ने श्री करतारपुर साहब गुरुद्वारे की मैनेजमेंट पाकिस्तान गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से लेके एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी को देने का फैसला किया है, शायद दुनिया के इतिहास में किसी माइनॉरिटी के साथ इतना बड़ा बेइंसाफी या धक्का नहीं हुआ होगा जो पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान के इतिहास में जहां माइनॉरिटीज़ के खिलाफ लगातार बेइंसाफी और अट्रॉसिटीज बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ये शायद पहली बार ही हुआ है कि एक गुरुद्वारा, वो भी एक ऐसा ऐतिहासिक गुरुद्वारा जहां सिख धर्म के पहले गुरु ने, जिन्होंने सिख धर्म की नींव रखी, 18 साल अपने जीवन के वहां पे व्यतीत किए और सिखों के लिए नहीं दुनिया भर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आस्था का स्थान है जगत गुरु नानक देव जी का श्री करतारपुर साहब। आज सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से इसकी सेवा संभाल को छीन के आप एक 9 मेंबरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी को दें जिसमें एक भी सिख ना हो, तो ये लोग एक सिख धर्म के बारे में क्या जानते हैं, मर्यादा के बारे में क्या जानते हैं, एक गुरुद्वारे की सेवा संभाल को करने में कैसे वो लोग करेंगे। मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान सरकार एक माइनॉरिटी के साथ इस हद तक धक्का कर रही है। मैं सख्त शब्दों में इसको कंडेम करती हूँ। विरोध के सुर यही नहीं थमे। अकाली दल के प्रवक्ता मजिंदर सिंह सिरसा ने भी इस बात पर विरोध जताया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतने कम है, क्योंकि देश के अंदर या दुनिया के अंदर हमने इससे पहले कभी नहीं सुना कि गुरुद्वारा वहाँ पे सिख हों और उनसे प्रबंध छीनकर नॉन सिखों के हाथ में दे दिया जाए। ये आज से पहले हमने दुनिया में कहीं नहीं सुना। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वहाँ पे, पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हालांकि वो नॉमिनेटेड है लेकिन है तो वो सिख, उनको चिंता है गुरुद्वारे की। उनसे छीनकर ये कहना कि अब ETPB जिसके अंदर 9 के 9 मेंबर जो हैं वो नॉन सिख हैं, सारे इस्लाम से हैं, और उसके अंदर जो हमारे मिनोरिटी के मेंबर थे ETPB बोर्ड में भी हमारे मेंबर थे, पहले उनको बाहर निकाला गया बोर्ड से। जो 4 मेंबर थे उसमें 2 सिख थे, एक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली भी थे, एक क्रिश्चियन थे जो वहाँ की MP थी, और एक हिंदू थे जो वहाँ के MLA थे। इन 4 लोगों को, 9 मेंबर में से 4 जो थे वो मिनोरिटी से थे, पहले उनको बाहर किया गया। फिर ETPB बोर्ड के अंदर सारे इस्लामिक लोग लाए गए, फिर ETPB बोर्ड के अंदर गुरुद्वारा करतारपुर साहब उनको हैंडओवर कर दिया गया, फिर ऑर्डर पास कर दिया गया कि आप इनके सारे प्रबंध, इनकी सारी मैनेजमेंट वो करेंगे, और ये एक बिजनेस मॉडल बनाया जाएगा जिसमें सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के तहत कि अपनी कमाई करो और चलाओ। ये हमने आज से पहले नहीं सुना। बात यही नहीं थमी, जब पत्रकारों ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से बात की तो वो भी इस बात को लेकर नाराजगी जताते हुए दिखे। बता दें ये वही पाकिस्तान है जिसके मुखिया पिछले साल नवंबर में करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए खुद को दुनिया का सबसे दरिया दिल शख्स साबित करने में तुले हुए थे। हिंदुस्तान में, बर्रे सगीर में, पाकिस्तान में आप चले जाएं, वो लोग जो इंसानियत के लिए आए थे, बड़े बड़े सूफी, बाबा फरीद गंजशकर, निजामुद्दीन औलिया, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती, आज भी लोग उनके मज़ारों पे जाते हैं, उनको दुआएं देते हैं, क्योंकि वो इंसानियत के लिए आए थे। और वही चीज़ आप सब में मैं देखता हूँ, जो आपके दिल में अकीदा है गुरु नानक देव जी का। मुझे तो खुशी ये है कि हम ये आपके लिए कर सके। आप यकीन करें, मुझे ये अंदाजा ही नहीं था कि करतारपुर की क्या अहमियत दुनिया की सिख कम्युनिटी में थी। मुझे तो साल पहले पता चला है। और हम, मैं अपने पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को ये बताता हूं कि ये ऐसे है कि हम मदीना को 4-5 किलोमीटर से देख सके लेकिन ना जा सके।
कितनी तकलीफ मुसलमानों को हो कि हम दूर से देख सके मदीना को लेकिन जा ना सके। ये दुनिया की सिख बरादरी का मदीना है और मुझे इसलिए खुशी है आपकी खुशी देख के, जिस तरह मैं आप सबको देख रहा हूं आपके दिल से दुआएं निकलती हैं कि आपको मौका मिला यहां आने का। और मैं फिर से इसलिए अपनी गवर्नमेंट का, जिस तरह उन्होंने मेहनत की इसको कामयाब करने के लिए। अब दो और चीजें मैं कहना चाहता हूं। एक कि मैं फिर से ये रिपीट करता हूं कि जो लीडर होता है, अल्लाह के सारे पैगंबर लीडर थे, लीडर हमेशा इंसानों को इकट्ठा करता है, तकसीम नहीं करता, नफरतें नहीं फैलाता, नफरतें फैला के वोट नहीं लेता, वो लीडर नहीं होता। नेल्सन मंडेला जब तक साउथ अफ्रीका रहेगा हमेशा वो नेल्सन मंडेला को दुआएं देंगे। लेकिन एक साल में ही उनकी दरिया दिली की हकीकत को दुनिया जान गई। जानकारी के मुताबिक करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के रखरखाव का काम पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से छीनकर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को सौंपा गया है। इस यूनिट में कुल 9 लोग शामिल हैं और यह पाकिस्तान के इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड यानी कि ETPB से जुड़ी हुई है। खास बात यह है कि गुरुद्वारे के रखरखाव के लिए बनाई गई इस यूनिट में एक भी सिख सदस्य नहीं है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का CEO मोहम्मद तारिक खान को बनाया गया है। पाकिस्तान सरकार की ओर से जारी किए गए नए आदेश में प्रोजेक्ट बिजनेस प्लान का भी जिक्र है, यानी कि इमरान खान सरकार अब गुरुद्वारे से भी पैसा कमाने की जुगत कर रही है। ETPB को पूरे तरीके से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कंट्रोल करती है।